हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम धीरज शिंदे और आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। रात के 11 बजे माड़ा कॉलोनी से कॉल आया है कि लोगों ने यहाँ इस टीन के नीचे एक बड़ा सांप देखा है। आइए देखते हैं। ओह, यहाँ तो एक जहरीला नाग है। इसे अंग्रेजी में स्पेक्टेकल कोबरा कहते हैं। हम इस कोबरा को पकड़ने के लिए इसे बाहर निकालेंगे। यहाँ लाइट की कमी है, लेकिन हमें इतने ही लाइट में एडजस्ट करना पड़ेगा। और साथ साथ ये भी ख्याल रखना है कि उसे कोई चोट ना पहुँचे। हम ट्राई करते हैं कि उसे टीन के नीचे से बाहर निकाला जाए, ताकि वो बार बार उसके नीचे ना जाए। हम कोबरा को स्नेक हुक से बाहर खींचने की कोशिश करेंगे, ताकि वो जल्दी बाहर आ जाए, क्योंकि इस भारी टीन की वजह से मुझे तकलीफ हो रही है। और फाइनली ये कोबरा बाहर निकल ही गया और कोबरा वापस मुड़कर भागने लगा, लेकिन अब मैंने उसकी पूंछ पकड़ ली। आप देख सकते हैं, ये जहरीला कोबरा अपना फन निकलकर मुझे टारगेट कर रहा है। मुझे तो सबसे पहले स्टिक से पत्थर हटाने पड़ेंगे, जिससे कोबरा फ्री हो सके। और आप इस कोबरा का खूबसूरतपन देख सकते हैं। फाइनली कोबरा फ्री हो गया और अभी भी मुझे ये टारगेट कर रहा है। अब हम इसे नीचे रखेंगे और स्टिक से ट्रैप करेंगे। प्लास्टिक का डिब्बा दे दो भाई कोई। थैंक यू। और डिब्बे में सांप को धीरे धीरे पुश करेंगे। और ध्यान रखना है कि जहां से कोबरा को अंदर पुश कर रहे हैं, वहां से वो बाहर ना आ जाए। और फाइनली पूरा चला गया। अब बारी है ढक्कन लगाने। जब उसका मुंह ऊपर की तरफ हो, तभी हम इसे उठाएंगे। ध्यान से देखना है, ढक्कन लगाते समय वो बाहर वापस ना आ जाए। और ये फाइनली हमने अच्छे से ढक्कन लगा लिया। फ्रेंड्स, हमारा यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच।